देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर हस्बैंड राज कर रहा है मिस्टर अजय देवगन से, जो दृश्यम 200 करोड़ पहुंच गई, और अभी बीवी आ रही है काजोल, जिन्होंने सलाम वैंकी करके बता दिया कि हस्बैंड वाइफ ही बॉक्स ऑफिस में राज करके। सलाम वैंकी, तो मैं सलाम कर रहा हूँ वैंकी को, एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट सर के लिए, बढ़िया सैल्यूट, क्योंकि पिक्चर कहाँ ना कहाँ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत दिन के बाद काजोल मैडम को देख रहा हूँ पर्दे पे, सो आई एम सो एक्साइटेड, मतलब मेरा को तो मज़ा आ गया। पहले देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर हस्बैंड राज कर रहा है मिस्टर अजय देवगन से, जो दृश्यम 200 करोड़ पहुँच गई, और अभी बीवी आ रही है काजोल, जिन्होंने सलाम वैंकी करके बता दिया कि हस्बैंड वाइफ ही बॉक्स ऑफिस में राज करके। कहा ना पिक्चर इमोशनल से भरी है, फर्स्ट हाफ जो है मूवी की वो धीरे धीरे स्लो चलती है, लेकिन सेकेंड हाफ जो मूवी की है वो पकड़ लेती है और आपको बिठा देती है पिक्चर, और आपको पिक्चर कहीं भी बोर नहीं करती है। ये पिक्चर आपको हर एक चीज़ में मैसेज देती है, आपको एनकरेज करती है। और कहा ना कहा मिस्टर विशाल वेदांत, जिन्होंने मर्दानगी 2 में एक विलियन का रोल किया था, बहुत ही खौफनाक, और उसके ही ऑपोजिट उन्होंने ये इमोशनल एक्टिंग किया, काजोल मैडम के साथ खड़े होकर ऑपोजिट में एक्टिंग करना, इट्स नॉट अ जोक। जो दिल वाले दुल्हनिया की इतनी बड़ी सुपरस्टार है, जिनके ऑपोजिट शाहरुख खान सर ने काम किया है, और उसके ऑपोजिट ये विशाल वेदा कर रहे हैं। काजोल अपने में बहुत बड़ी एक्टर है, शी कैन डू एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ रोल, और शी इज़ अ ब्रिलियंट वर्सेटाइल माइंड ब्लोइंग एक्टर। मतलब कि काजोल का एक्टिंग मैंने देखा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 30 ईयर्स उनको फिल्म लाइन में हो गया, लेकिन उन्होंने एक्टिंग क्या एक्टिंग किया, उन्होंने 2 बच्चे पैदा करने के बाद एक्टिंग छोड़ा नहीं है, आज भी उनकी वही एक्टिंग है, उनका वही इमोशनल है, उनका फेस वर्क एक्टिंग वर्क सब अप टू द मार्क है, और पिक्चर आपको बिठा के रहती है। और मैं दरख्वास्त करूँगा जो माँ और बेटे के बीच में इमोशनल दिखा है, और हर फैमिली को देखना चाहिए, एक माँ और बेटे को ये पिक्चर ज़रूर देखना चाहिए, आइए अपनी फैमिली के साथ देखिए, और इमोशनल इसमें भर भर के है। कहाँ ना कहाँ मेरे आँख से आंसू गिर गए, और मैं ऐसे बहुत कम पिक्चर में रोता हूँ, कि जैसे मैं बागबान में रोया था, उसके बाद मैं इस पिक्चर में रोया, मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। सो ये पिक्चर इमोशनल से भरी हुई है, मैसेज से भरी हुई है, और कहाँ ना कहाँ ये बॉलीवुड ने एक अच्छा नया कंटेंट लाया है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ द डायरेक्टर मिस्टर रेवती, जो इनके पिक्चर के डायरेक्टर है, वो खुद में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ा अच्छा इमोशनल एक्टिंग करती है, सो मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद आई सर। काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काजोल मैडम का अच्छा लगा, विशाल सर का अच्छा लगा, राहुल बोस है इसमें जो आफ्टर बहुत टाइम का स्क्रीन में है, और कहाँ ना कहाँ प्रकाश राज भी है इसमें, और रेवती मैडम एज अ डायरेक्टर, उनका डायरेक्टर का मुझे कहाँ भी खामियां सा नजर आया ना, माइनस पॉइंट नज़र आया। शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, एंड आई एम टेलिंग यू दिस मूवी विल बी गो, धीरे धीरे इसका बॉक्स ऑफिस बढ़ेगा वर्ड ऑफ माउथ से, और ज़रूर चलेगी ये पिक्चर। हाँ, इसमें आमिर खान जो लास्ट में क्लाइमेक्स में दिखा है सर, तो वाकई में सर जहाँ आते तो वहाँ 4 चांद हो जाती है। आमिर खान को क्यों मिस्टर परफेक्शन बोला जाता है, वो अपनी चॉइस रखते हैं, वो अपना चॉइस, वो जो भी पिक्चर में आते हैं उसमें एक चॉइस होता है, उसमें एक मैसेज होता है, उनकी कोई भी पिक्चर देख लो, तारे ज़मीन पर देख लो, बच्चों के ऊपर जो पिक्चर है, तो ये पिक्चर भी ऐसे एक माँ और बेटे के ऊपर है, तो वो पिक्चर में आपको दिखाई दिए, तो हमेशा वो ऐसे पॉजिटिव चीज़ में ही नज़र आते हैं। आई विल गो 4.4 पॉइंट, बिकॉज मुझे इमोशनल ज़्यादा पसंद है, और मुझे काजोल मैडम की एक्टिंग तो हैट्स ऑफ टू हर। यस सर।